नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार गंगेले और एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो का शीर्षक है वो है PCOD या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। दोस्तों, ये महिलाओं के अंदर पाए जाने वाली, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पाए जाने वाली एक समस्या है। और जहाँ तक बात करें तो जिस तरह से इसके केसेस पर डे, पर मंथ, पर ईयर बढ़ते जा रहे हैं, ये वाकई में एक चिंतनीय विषय है। और इसलिए आज मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पॉली मतलब कई, सिस्टिक मतलब गांठें, ओवेरियन मतलब ओवेरी के अंदर, और डिजीज मतलब बीमारी, या फिर PCOS भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब मित्रों, ये एक प्रकार का हार्मोनल डिसबैलेंस है जो कि आज की तारीख में किसी भी महिला को हो सकता है अगर उसकी मेनार्की से ऊपर की है, जो मतलब एक बार अगर उसका मेन से शुरू हो गया है तो ये मेनार्की से लेके मेनोपॉज के बीच में हर एक एज ग्रुप की महिला को ये अफेक्ट कर रहा है। स्पेशली आजकल इसका जो अफेक्शन है वो बहुत ज्यादा उन लड़कियों के अंदर देखने में आ रहा है जो कि है 17, 18, 20, 25, 27, मतलब जो लड़कियां अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ के पीक पे आज की तारीख में चल रही हैं, जनरली वो ही आजकल इससे सफर कर रही हैं। इसके लिए जो पेशेंट आते हैं वो जनरली कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं, वो कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जो कॉलेज पास कर चुकी हैं, वो उनकी शादी होने वाली है, और ऐसी लड़कियां हैं जिनके पीरियड शुरू हुए कुछ 2-3 साल शुरू हो चुके हैं, मतलब वो 14-15 साल की हैं, और उसके बाद से दे आर सफरिंग फ्रॉम द PCOD। अब दोस्तों, PCOD के लक्षण क्या होंगे, एक महिला के अंदर PCOD है, इसका असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली जो मूलभूत लक्षण होता है PCOD का, वो होता है अमेनोरिया या फिर मेंसेस का इररेगुलरिटी इन द फॉर्म ऑफ डिलेड एंड स्केंटी मेंसेस। जनरली PCOD का जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वो होता है डिलेड मेंस्ट्रुएशन, कि जो महिला है या फिर लड़की है उसके जो पीरियड है वो 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, कई बार 3 से 4 महीने तक डिले हो जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द PCOD स्टेटस, कि जितनी ज्यादा PCOD जो है उसका स्टेटस बिगड़ा हुआ होगा उतना ज्यादा डिलेड मेंसेस होगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन विच देयर इज द डिलेड एंड स्केंटी मेंस्ट्रुएशन। महिलाओं की कंप्लेंट क्या रहती है, साहब मेरे पीरियड जो है वो बराबर नहीं आ रहे हैं, किस तरह की इररेगुलरिटी है, जनरली वो डिले हो जाते हैं, वो 1 महीने से लेके 3 महीने के बीच में वो डिले होता है, एंड एवरेज वो लगभग 2 से 2.5 महीने के गैप के बाद ही आता है। वो आता भी है तो ब्लीडिंग बहुत कम होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो डेज हैं वो बहुत ही निग्लिजिबल क्वांटिटी में ब्लीडिंग उसके अंदर होती है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ PCOD। कि इफ यू हैड एनी पेशेंट हु केम्स टू यू अलोंग ऑल दीज कंप्लेंट एंड दीज कंप्लेंट्स आर प्रिवेलिंग इन हर सिंस लास्ट मेनी ईयर, देन यू शुड सस्पेक्ट दैट दिस पेशेंट कैन बी द पेशेंट ऑफ PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। वहां पे मैंने पिछले कुछ समय से, मेरे पास कुछ विरले केसेस आए हैं, मतलब बहुत ही रेयर थे वो, मतलब अगर 100 PCOD के केसेस थे तो उसमें 4 से 5 जो है वो इसके अपोजिट पिक्चर को लेके आए। जनरली PCOD के अंदर जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ये होती हैं जो मैंने आपको बताई, कि महिला का जो है, लड़की का पीरियड जो है वो डिले होता है, वो लेट हो जाता है, उसके साथ साथ अगर वो आता भी है तो वो स्केंटी होता है। इसके साथ साथ ये जो लड़कियां होती हैं इनका जो होता है अमेनोरिया के साथ इनका वेट गेन भी हो जाता है, मतलब पीरियड्स डिले होने के कारण इनका जो वजन है उसके अंदर इजाफा होने लगता है। इनके अंदर और भी साइंस ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस, क्योंकि बेसिकली PCOD इज ड्यू टू द हार्मोनल डिसबैलेंस, ये हार्मोनल डिसबैलेंस, ये एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इनके अंदर वेट गेन भी होता है, इनके अंदर कुछ और आपको सिम्टम्स दिखेंगे जैसे हर्सुटिज्म के अंदर जो फेशियल हेयर्स होते हैं, कि फेस पे कई स्पॉट पे बिल्कुल मैस्कुलाइन पैटर्न में इनके हेयर्स आते हैं, और ये सारे जो सिम्टम होते हैं ये PCOD का कॉमन प्रेजेंटेशन है। पर जो इसके विपरीत एक और प्रेजेंटेशन इन दिनों हम देख रहे हैं, कि जनरली लड़की का सिर्फ मेंसेस डिले हो रहा है, और मेंसेस डिले हो रहा है पर उसके अंदर वेट गेन नहीं है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन दिनों देख रहे हैं, कि वो किन्हीं कारण से लड़की सिर्फ मेंसेस डिलेट की समस्या बता रही है, उसके अंदर कोई भी वेट गेन नहीं हुआ है,
और जो तीसरा प्रेजेंटेशन पीसीओडी का है, जो कि बहुत रेयरली होता है, कि उसके अंदर जो इररेगुलरिटी होती है मेंसेस की, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस मेंसेस रादर देन अमेनोरिया। इन लड़कियों के अंदर पीरियड जो है वो 15-15 दिन में आ जाता है, महीने में दो दो बार आ जाता है, और पीरियड जो आता है वो एक्सेस मतलब ब्लीडिंग के साथ आता है, कि 15 दिन में मतलब महीने में दो बार मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा, और एक बार आएगा तो कई दिन तक ब्लीडिंग या स्पॉटिंग चलती रहेगी, 5 दिन 6 दिन 7 दिन। ये एक रेयर कंडीशन है, मैं आप लोगों को ये बता इसलिए रहा हूँ कि कहीं आप इस चीज को लेके कंफ्यूज ना हो जाएं आगे चल के, कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जिसके अंदर आपको एक्सेस मेंसेस दिख रहा है, तो आप ये कहीं उसके अंदर पीसीओडी रूल आउट ना कर दें। क्योंकि मेरे पास ऐसे कम से कम 50 केस आ चुके हैं जिसके अंदर उनकी सोनोग्राफी के अंदर पीसीओडी साफ साफ लिखा हुआ था, और उसको मैंने कहीं दूसरी जगह से यूएसजी में क्रॉस चेक भी कराया था, एंड द सिम्टम्स आर दिस विच आई एम टेलिंग। तो मित्रों, ये बहुत ज्यादा सीवियर समस्या मानता हूँ समाज के अंदर इस चीज की, क्योंकि जिस तरह से ये समस्या अपने पर को फैला रही है, और जिस तरह से पॉपुलेशन के अंदर बच्चियां जो हैं वो इसका शिकार हो रही हैं, और यही एक कारण है कहीं ना कहीं कि आज की तारीख में जो भी न्यूली मैरिड कपल्स हैं, वो अगर एक दो साल तक बच्चा प्लान नहीं करते, और फिर जब वो लोग बच्चा प्लान करते हैं तो उनको होता नहीं है, कि कहीं ना कहीं उनकी वाइफ इन हर अर्लियर पार्ट ऑफ लाइफ जो है शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द पीसीओडी। क्योंकि ये जो जितनी बच्चियां हैं, कल को अगर इनकी शादी होगी और ये लोग बच्चे के लिए कोशिश करेंगे और कंसेप्शन के लिए कोशिश करेंगे, तो ये कंसीव नहीं कर पाएंगी ड्यू टू दिस पीसीओडी। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे हैं, और इसकी एज फार एज द मेडिसिन एंड मेडिसिनल एस्पेक्ट ऑफ दिस पीसीओडी इज कंसर्न्ड, कि होम्योपैथी के अंदर इसके लिए बड़ी सटीक और कारगर इलाज है। मैं उन सभी माता पिताओं से अनुरोध करता हूं कि अगर आपकी बच्चियों को किसी भी प्रकार से पीसीओडी की प्रॉब्लम से अगर वो सफर कर रही हैं, तो बिल्कुल भी एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि इसका सबसे सटीक ट्रीटमेंट है जो है वो सिर्फ होम्योपैथी में ही हो सकता है। एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड, एंड दिस इज ऑल्सो इफ यू सर्च द गूगल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पीसीओडी एंड यू सर्च फॉर द ब्लॉग्स इन विच द पेरेंट्स हैड रिटन अबाउट देयर कंप्लेंट एंड देयर चाइल्ड्स कंप्लेंट ऑफ पीसीओडी, तो आपको पता चलेगा कि उसमें से ज्यादातर लोगों को होम्योपैथी से ही इसमें फायदा मिला था। अच्छा, अब होम्योपैथिक मेडिसिन के अभी अगर अपन बात कर रहे हैं, तो पहले मैं इसी को कंप्लीट कर लेता हूं कि इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कि एपिस मेलिफिका है, सीपिया है, पल्सेटिला निग्रीकेंस है, कल्केरिया कार्ब है, कल्केरिया फॉस है, आयोडम है, नेट्रम्यूर है, बहुत सारी मेडिसिन है जो इसके ऊपर काम करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द केस। पर एलोपैथी के अंदर इसका कोई एक ही इलाज है, कि बेसिकली दे प्रिस्क्राइब इन दिस द सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, वो 21 दिन और 7 दिन के साइकिल पे दो प्रकार की वो टेबलेट देते हैं, जिससे इन लड़कियों का साइकिल आर्टिफिशियली रेगुलेट होता है। मतलब वो जब तक ये गोलियां खाती रहेंगी उनका साइकिल अपियर होगा, क्योंकि नेचुरली हार्मोन तो निकल ही नहीं रहे, नेचुरली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की कमी है, दैट इज वाई दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अमेनोरिया। तो वही हार्मोन को आर्टिफिशियली 21 डेज और 28 डेज के साइकिल पे दिया जाता है, जिससे इनका मेंसेस जो है वो निरंतर रूप से चलता है, सिर्फ उतने वक्त के लिए जितने वक्त तक ये हार्मोन बॉडी में एडमिनिस्टर हो रहा है। उसके बाद ये, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कम से कम मैं अपनी लाइफ में अभी तक 100 से ऊपर केसेस को सही कर चुका हूं। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपने परिजनों के लिए, जो कि आपके समाज में जो भी पीसीओडी की समस्या है, आपके घर में आपके बच्चों को है ना, आपके रिश्तेदारों को, तो आपसे प्लीज ये अनुरोध है कि उनको होम्योपैथी की तरफ जाने के लिए प्रेरित करिए। इससे उनका भी भला होगा और लाखों लोगों का भला होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज्यादा सीवियर रूप लेती जा रही है समाज के अंदर। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को और ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ, और मिलता हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। प्लीज मुझे अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। नमस्कार।